वेलकम स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी सैवंथ क्लास का फिफ्थ चैप्टर है जो लाइनज एंड एंगल्स, उसकी जो सैकेंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2 उस दे विच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तो लैके अगले क्वेश्चन नूं करांगे सोल्व। पहले चार क्वेश्चन आपां पिछली वीडियो दे विच सोल्व कर चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, अपने कोल आ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर्स आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट टू एंगल्स आर पैरेलल। हाँ जी, दो एंगल्स दी आर्म्स पैरेलल दित्तियां हुई ने, फाइंड द फॉलोइंग, तो जिहड़े एंगल्स ने वह आपां सोल्व करके लभणे ने। ओके, आ जिहड़ी डायग्राम है इहदे विच एंगल डी जी सी है जिहड़ा डी जी सी ए लभना एक तो आप डी ई एफ डी ई एफ ए एंगल भी आप लभना है। ओके, आप दिता हो कि यह ये पैरेलल है तो आ वाली है जी इस पैरेलल है, ये अपन समांतर दित्तियां हुई ने। हाँ जी, सब तो पहला तो बिकॉज ए बी है जी डी जी दे पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी जी, सो उतों की आ जाएगा आ जड़ा 65 का एंगल है तो आ जड़ा एंगल है जो आप लभना है एंगल डी जी सी, यह एक दूजे के बराबर हो जाएंगे। यह किड़े कोण होणगे? हाँ जी, इतने आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का जोड़ा लैटर है एफ वह बन रहा है, आ एंगल्स की होंगे ने फिर कोरसपोंडिंग एंगल्स होंगे ने, सो इतों आ जाएगा अपने को एंगल डी जी सी इक्वल टू 65 डिग्री। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਸੀ ਓ ਡਬਲ ਆਰ ਈ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਐਂਗਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਡੀ ਈ ਐੱਫ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਐੱਫ ਦੇ, तो इत्थे लिख लैंदे आ जी सी पैरेलल टू ई एफ, तो उत्थों आ जिहड़ा एंगल आपां लभ चुके हैं 65 डिग्री, तो आ जिहड़ा एंगल है जिहड़ा आपां हुण लभणा है ये दोनों आपस इक्वल होणगे। इत्थे फिर आपां देख सकते हैं कि एक तरह का इंग्लिश का जिहड़ा लैटर है वह एफ उही बन रहा है, सो ये एंगल भी अपने कोरसपोंडिंग एंगल्स होणगे यानी कि संगत कोण होणगे। सो एंगल है जिहड़ा अपने कोल डी ई एफ, पूरा नाम डी ई एफ, एंगल डी ई एफ है जिहड़ा वह इक्वल आ जाएगा एंगल डी जी सी दे, एंगल डी जी सी पिछे रीजन संगत कोण यानी कि कोरसपोंडिंग एंगल्स, कोरसपोंडिंग एंगल्स ये तुसी पूरा लिख लेना है, तो डी जी सी की वैल्यू आ चुकी 665, सो एंगल डी ई एफ आ जाएगा अपने को 65 डिग्री। सो ये तो यही दोने अपने कोल एंगल्स उन्हें लभण लई कहे सी। हाँ जी, आने फिर हुण आपां इस दे बी पार्ट ते, बी पार्ट दे विच एम एन पी एंगल लभना, पहला तो आपां एम एन पी जो कि है अपने कोल एम एन पी आ वाला एंगल ये लभना है, तो आर एस टी, आर एस टी आ वाला एंगल लभने ने। हाँ जी, यह है इस दे पैरेलल यानी कि समांतर, सो इत्थे लिख लैंदे आ एम एन समांतर है आर क्यू, तो आ वाला एंगल एम एन पी है जिहड़ा, एंगल एम एन पी ये इक्वल हो जाएगा इस 70 डिग्री दे। केड़े एंगल्स होणगे फिर आपां देख सकते हैं किहड़ा लैटर बनता पाया अपने कोल एफ ही बनता पाया, तो ये कोरसपोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। हाँ जी, कोरसपोंडिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण, सो आ एंगल आ गया अपने कोल 70 डिग्री। हुण उन्होंने आ पुछया होया हुण आ ते आ भी समांतर ने, क्यू पी है जिहड़ी वह समांतर है एस टी दे पैरेलल है यानी कि, सो एंगल आ जिहड़ा है अपने कोल आर एस टी, एंगल आर एस टी ए इक्वल आ जाएगा इस 70 डिग्री दे एंगल दे इक्वल, क्यों ये भी किहड़े एंगल ने ये भी कोरसपोंडिंग एंगल्स ने क्योंकि अपने कोल फिर इत्थे जिहड़ा लैटर है एफ बनता पिया है पुट्ठा करके, सो इहदा भी आ जाएगा कोरसपोंडिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। सो यही दोने उन्हें आपां नूं पुछे सी आपां इह लभ लेने। हाँ जी, सो इहदे नाल क्वेश्चन 5 हुंदा कंप्लीट, आने सिक्स क्वेश्चन ते, इन द फॉलोइंग फिगर आ जिहड़ी फिगर दित्ती हुई है
ए बी है जिहड़ी ओह सी डी दे पैरेलल है, जिहड़ियां ब्ल्यू ने ओह आपस च पैरेलल ने, ते ई एफ है जिहड़ी इह पैरेलल दित्ती है जी एच, यानी कि इह दोनों आपस च समांतर ने, तां एक्स ते वाई दियां जिहड़ियां वैल्यूज़ ने ओह आपां लभणियां ने। हाँ जी, सो इहदे विच आपां देख सकदे हां क्योंकि आह दोनों पैरेलल ने, आह उहनां दी काटवीं रेखा है ट्रांसवर्सल है, तां आह एंगल एक साइड का आ दूसरी साइड का एंगल है ट्रांसवर्सल दे, तां इह किस तरह के कोण हुंदे ने। हाँ जी, इत्थे जैड लैटर है जिहड़ा उह बन रहा आपां देख सकदे हां, तां आह जिहड़े एंगल्स हुंदे ने इह हुंदे ने अपने कोल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंदरले कोण आ बनता पिया है जी जैड, जिहड़ा मैं तुहानूं इधर साइड पर बना के दिखाया। सो एक्स आ जाएगा 65 डिग्री के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री किहड़े कोण, एकांतर अंदरले कौन, यानी के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये आ जाएगा फस्ट का आंसर। हुण वाई लभना रह गया, हुण आपां देख सकते हैं जिहड़ियां ब्ल्यू ने आपस च पैरेलल ने तां की बनता पिया, किहड़ा लैटर बनता पिया। हाँ जी, इत्थे बनता पिया अपने कोल फिर लैटर एफ, इस तरह इत्थे अपने कोल 65 दा एंगल, इत्थे है वाई, तां ये आपस इक्वल हो जाएंगे, वाई आ जाएगा 65 डिग्री दे। ये किहड़े एंगल होणगे, ये होणगे संगत कोण, यानी कि कोरसपोंडिंग एंगल्स। सो उत्थों अपने कोल वाई दी वैल्यू भी आ चुकी, दोनों ही 65 इस दा आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन ते आने हैं फिर। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 7 ते, कहिंदा पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस दे, पी क्यू ते आर एस एक दूजे दे नाल 90 दा एंगल बनाउंदे ने, परपेंडिकुलर दा मतलब हुंदा 90 दा एंगल लंब है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स दी वैल्यू इहदे विच्चों आपां लभणी है। हाँ जी, इहचों आपां एक्स दी वैल्यू हुण लभणा चाहुंदे हां, तां इत्थे अपने कोल इह है 3x, तां आ एंगल है जिहड़ा इह भी 3x हो जाएगा, क्योंकि इह होणगे सिखर सन्मुख कोण, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, फिर एक दूजे नूं लंब ने, इहदा मतलब इन्हां दोनों का जिहड़ा जोड़ होएगा उहनूं आपां 90 डिग्री दे इक्वल कर सकते हैं। हाँ जी, सो करते हैं इहनूं सोल्व। पहलां तां इहनूं 1 ले लैंदे हां, एंगल 1 आ जाएगा 3x डिग्री दे इक्वल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स लिख लेना है, यानी कि सिखर सन्मुख कोण, क्योंकि इत्थे एक क्रॉस बनता पिया सी, ते क्रॉस या काटी बनती होवे, एक्स बनता होवे, तां ओपोजिट एंगल्स वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हुंदे ने, ते इह बराबर हुंदे ने। हुण एंगल 1 प्लस 6x डिग्री, आ देखो आ 1 ते 6x इहदे विच आ गए, तां इह किहड़ा कोण बनता पिया अपने कोल 90 डिग्री दा, तां इक्वल टू 90 डिग्री। सो इत्थे 1 दी वैल्यू है जिहड़ी 3x, उह भर दांगे, 3x डिग्री प्लस 6x डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बन गया अपने कोल 9x डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इतों x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ओवर 9 करके, हाँ जी 10 डिग्री x दा आ जाएगा आंसर अपने कोल। सो अगे आने फिर अपना, हाँ जी अगे 8th क्वेश्चन आ गया अपने कोल। 8th क्वेश्चन दे विच इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वैदर l इज़ पैरेलल टू m, तो आप देख के दसना है कि एल है जिहड़ी हरेक केस दे विच ओह एम दे समांतर होएगी या नहीं। हाँ जी, हुण इत्थे एल ते एम दे विच जिहड़े कोण बनते पए ने, इह दोनों बनते पए ने, इहनां दा जोड़ करके देखांगे, इह अंतरी कोण ने, जेकर इहनां दा जोड़ 180 डिग्री आ गया तां लाइनज़ पैरेलल होणगीआं। हुण इत्थे 123 डिग्री प्लस 47 डिग्री, हाँ जी 7 ते 3 10 एक कैरी कर गया, 4 ते 2 6 ते 1 7 ਅਤੇ ਨਾਲ 170 ਡਿਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐੱਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐੱਮ, ਜੇ ਇਹ 180 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ, ਐੱਲ ਕੋਮਾ ਐੱਮ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ सैकेंड ते आने, सैकेंड के केस दे विच अपने कोल आह इत्थे है 53 डिग्री, उतों आ एंगल भी अपने कोल आ जाएगा 53 डिग्री, ते फिर आपां हुण 53 ते 127 नूं ऐड करके देखते हैं, 127 डिग्री प्लस 53 डिग्री। हाँ जी, आ 53 किवें आ गया, क्योंकि यह
एक क्रॉस के आले दुआले पाए ने एक्स बनता पाया तो यह ने वर्टिकली ओपोजिट एंगल सो इक्वल होने सो इतने आप 53 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। हुण इन दोनों का जोड़ देखते हैं 7 3 10 1 5 2 7 1 8 हाँ जी 180 डिग्री आ गया। तो क्योंकि यह अंतरी कोण ने को इंटीरियर एंगल्स ने तो इन का सम 180 हो लाइनज़ होंगे ने पैरल सो इत लिख सकते हैं पर यह अंतरी कोण हैं बट दीज आर को इंटीरियर TERIOR एंगल्स ते इन दा जोड़ 180 है सो L पैरेलल टू M यानी कि इस लई L है जड़ी वो M दे समांतर है। हाँ जी अगे आने थर्ड पार्ट ते थर्ड केस दे विच L ते M दा फिर चेक करना है कि समांतर हैगियां ने या नहीं। हाँ जी हुण आह 80 है तो इहदा वर्टिकली ओपोजिट आह 20 हो जाएगा 80 तो 80 का जोड़ करिए 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री जो कि बनता है 160 डिग्री जो कि 180 डिग्री नहीं है। सो एल इज नोट पैरेलल टू एम एल कोमा एम समांतर नहीं हन। हाँ जी अगे आने इस दे फोर्थ पार्ट ते फोर्थ पार्ट दे विच भी देखना है कि एल समांतर एम है या नहीं। हाँ जी आप की करते हैं 115 डिग्री है तो आ एंगल भी की आ जाएगा अपने को 115 डिग्री क्योंकि यह वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स ने तो हुण आह एंगल 115 डिग्री का तो यह ए होंगे ने अपने कोरसपोंडिंग एंगल्स संगत कोण जे संगत कोण बराबर होण तो लाइनज़ पैरेलल होंदियां ने पर इत्थे 115 डिग्री है जिहड़ा वह बराबर नहीं है 65 डिग्री दे ते लिख सकते हैं कोरसपोंडिंग एंगल्स आर नोट इक्वल यानी के संगत कोण बराबर नहीं हन इसलिए एल कोमा एम समांतर नहीं हन सो एल इज नोट पैरेलल टू एम। सो ये क्वेश्चन भी होया अपना कंप्लीट। आ जाने हुण आपां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से नाइन्थ क्वेश्चन है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री जिन्हों का जोड़ होवे अपने को 90 डिग्री यानी कि पूरक कोण इन किड़े ने जिन्हों का जोड़ 90 बनता पे है। हाँ जी फस्ट तो 180 बनता है सो ये तो है नहीं ये 50 80 90 हाँ जी बी है अपने को इधर 75 25 100 होंगे ये नहीं है तो 27 53 50 70 70 इतों 10 होर ये 80 डिग्री बनता इन जोड़ सो ये भी है नहीं सो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी अगे आ जाने इस सैकेंड पार्ट से पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जोड़े संपूरक ने जिन्ह का जोड़ हो 180 डिग्री वह होंगे ने सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक। हाँ जी 115 55 150 55 10 65 75 70 170 बनेगा जो कि 180 नहीं बनया 125 65 160 120 60 हो गया अपने को 180 ये बन गया 190 सो ये भी है नहीं गा यह अपने को 130 इधरों 50 हाँ जी यह 180 बनेगा सो सी ऑप्शन करैक्ट होएगी ये तो 50 40 90 ने यह तो पूरक होणगे सो ये भी करैक्ट नहीं है सी ऑप्शन करैक्ट है। हाँ जी आने अगले क्वेश्चन ते इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट दैन द अदर एंगल इज हाँ जी कहिंदा जेकर लीनियर पेयर यानी कि रेखी जोड़े दे विचों एक एंगल जिहड़ा है वह न्यून कोण होवे हाँ जी एक कोण न्यून कोण होया तो दूजा की होएगा तो वह अधिक होएगा सो ओबट्यूज एंगल इज द बनेगा आंसर सो बी ऑप्शन ये करैक्ट ऑप्शन होएगी। हाँ जेकर उन्होंने कह दिता हों कि एक एंगल ओबट्यूज है तो आंसर बनना सी एक्यूट सो ये याद रखना तो जेकर एक एंगल 90 है दोनों के विचों तो दूजा भी 90 होएगा सो 90 यानी कि राइट एंगल के केस दोनों राइट होंगे जेकर एक एक्यूट है तो दूजा ओबट्यूज होएगा सो ये याद रखना जे एक्यूट देता तो ओबट्यूज आंसर बनेगा दूजा जे ओबट्यूज देता तो एक्यूट आंसर बन जाना सी दूजे कोण का। हाँ जी आ जाने अगले फोर्थ पार्ट से
इन द एडजॉइनिंग फिगर एल पैरेलल टू एम, एल ते एम समांतर ने, तो एक्स की वैल्यू किन्नी होएगी ये। हाँ जी 110 डिग्री तो यह आपस जेड बनता पे देखो इतने तुम तो ये जोड़े एंगल्स होंगे ने यह होंगे ने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो यह इक्वल होंगे ने। सो 3x-40 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री, तो एक्स आ जाएगा 150 डिग्री ओवर 3, कटिंग करके 50 डिग्री ए आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी नैक्सट दे विच कहिंदा है एल समांतर है एम दे, तां उन्होंने वैसे पूरी स्टेटमेंट लिखी नहीं, एक्स ही लभना होएगा आई थिंक। चलो एक्स लभदे हैं इहदे विचों फिर आपां। हाँ जी आ समांतर दित्तियां होईयां ने, आ 75 है तो इत्थों आह 75 हो जाएगा। किहड़े एंगल्स हो जाणगे इह वर्टिकली ओपोजिट, तो हुण इह पैरेलल ने इसलिए एक्स ते 75 दा जिहड़ा सम है वह 180 होएगा, क्योंकि यह अंतरी कोण ने को इंटीरियर एंगल्स ने, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि काटवी रेखा दे इको साइड दे एंगल्स। सो इन्हों का सम 180 होंगे, ये उधर जाके घट जाएगा। सबट्रैक्ट करांगे 180 दे विच्चों, सबट्रैक्ट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। सो सी ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन होएगी। हाँ जी सिक्स्थ क्वेश्चन ते आने आ, इन द एडजॉइनिंग फिगर आ जिहड़ी नाल डायग्राम दित्ती है, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल मेक एल एंड एम पैरेलल इज, जिहड़ी एल ते एम नू समांतर बना देगी एक्स की ओह किहड़ी वैल्यू होएगी। हाँ जी ये एल ए एम ये समांतर होने के लिए इन दोनों का जोड़ा सम है वह 180 होना चाहिए है, क्योंकि पैरेलल हो गया तो यह अंतरी कोण यानी कि को इंटीरियर एंगल्स ने जोड़े इन का सम 180 होना चाहिए है। सो 5x+4x यह 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए है। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, पूरे मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके करेगा डिवाइड, ये आ जाना चाहिए 20 डिग्री के इक्वल। सो ए ऑप्शन है जी करैक्ट ऑप्शन बनेगी इस दे। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन होंगे कंप्लीट। मैं उम्मीद है जो अज आप क्वेश्चन सोल्व किए ने तो चंगी तरह समझ आ गए हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट करके या वट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी हो इस लाइक करना, तो अपने होर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करना, तो वीडियो लास्ट तक देखने सारे का थैंक्स।